इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 की मैथ के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ठीक है, तो हमें यहाँ पर a की प्लेस में ये वाली मैट्रिक्स पुट करनी है, i की प्लेस में ये वाली मैट्रिक्स पुट करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर, यानी कि इस मैट्रिक्स को मुझे दो बार लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 4 माइनस 2 माइनस 2, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 4 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। फिर लिखा है इक्वल टू के ए, के यानी कि क्या है, के वाली इस वाली ए वाली मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2i, i यानी कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में 1 1 होते हैं और सब जगह 0। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर मैंने बस वैल्यू पुट करी है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स से रो लेते हैं, दूसरी वाली मैट्रिक्स से कॉलम लेते हैं और उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा, 3 3 9, 2 4 8। ठीक है, ये माइनस का है तो यानी कि माइनस 8 होगा, 9 माइनस 8 1, 3 2 6 माइनस 6, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस 6, 2 2 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस 4 प्लस माइनस 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 2 बचेगा यहाँ पर, 4 3 12, 4 2 8। ठीक है, 12 और ये माइनस का है तो यहाँ पर मैं वैसे लिख ही लेता हूँ 4 3 12, 2 4 8 वो भी माइनस का 8, 4 2 8 माइनस 8, 2 2 4 इक्वल टू के, के मल्टीप्लाई होगा इस वाली मैट्रिक्स से तो 3k हो जाएगा, 4k हो जाएगा, माइनस 2k हो जाएगा, माइनस 2k हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा इस वाली मैट्रिक्स से तो 2 2 0 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो चीज़ लिखी है इसी को लिखना है। कैसे लिखना है, इक्वल 1 इक्वल टू 3k माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू वैसे हम इस साइड जाते लिखते हैं ना, राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 इक्वल टू ऐसे, तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ लिखेंगे 3k माइनस 2 इक्वल टू 1, और क्या है यहाँ पर, माइनस 2k माइनस 0 इक्वल टू माइनस 2। फिर क्या है, 4k माइनस 0 इक्वल टू 12 में से 8 गया बचा यहाँ पर 2, सॉरी 4 बचाना, 12 में से 8 गया बचा यहाँ पर 4, माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली। अब देखो, इन चारों को सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू 1 ही आएगी। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन को उठाऊँ तो 3k प्लस 2 माइनस 2 है इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 और मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा तो यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई में इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 3, तो 1 बचेगा, तो k इक्वल टू आया यहाँ पर हमारा 1। सेकंड वाली इक्वेशन को उठाऊँ तो यहाँ पर लिखा है माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इक्वल टू 1 बचेगा। फोर्थ वाले को उठाऊँ तो साफ साफ दिख रहा है माइनस 0 का तो कुछ नहीं है, 4 से 4 कैंसिल, k इक्वल टू 1 आएगा इसका भी। ये यहाँ से आया तो 2 कॉमन ले लो, या फिर 2 को इस साइड भेजो फिर इसको इस साइड भेजो तो भी इसका क्या आएगा, k इक्वल टू 1 ही आएगा। तो k की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, k इक्वल टू 1 आया है। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।